लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के तहत 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इस फेज में कई वीआईपी कैंडिडेट चुनावी मैदान में खड़े हैं। इसमें वायनाड से राहुल गांधी, मेरठ से अरुण गोविल, मथुरा से हेमा मालिनी जैसे उम्मीदवारों का नाम शामिल है। दूसरे चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार वेंकट माने गौड़ा है, जो कर्नाटक से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सबसे गरीब उम्मीदवार लक्ष्मण नागोराव पाटिल हैं, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। फेज में सबसे अमीर उम्मीदवार वेंकटरमन गौड़ा हैं, जो कर्नाटक के मांड्या से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें स्टार चंदू के नाम से भी जानते हैं। चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 622 करोड़ रुपए बताई और उनकी पत्नी कुसुम 329.32 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक गौड़ा ने अपनी चल संपत्ति 212 करोड़ 78 लाख रुपए बताई। वहीं उन्होंने अचल की बात करें तो 410 करोड़ 19 लाख रुपए बताई है। उनका मुकाबला पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी से है। दूसरे फेज में सबसे गरीब कैंडिडेट लक्ष्मण नागोराव पाटिल हैं। पाटिल महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट से निर्दलीय कैंडिडेट हैं। चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 500 रुपए होने की जानकारी दी। इस सीट से पिछली बार बीजेपी से प्रताप राव, गोविंद राव चिखली कर चुनाव जीते थे।